So what's up guys and welcome back to my channel with my new video. And guys, in this video I'm modifying the Maruti Suzuki Baleno, and this modification is also for my subscriber and follower. So bro, this modification is for you. And guys, if you all want to watch my previous video, so click here. Plus, if you all want to watch my all modification, all videos, so go to my channel and you can watch everything. And guys, agar tum meri videos dekhte ho, to please hit that like button. Aur guys, subscribe kare bina, please jana mat, hit that subscribe button and support me and support my work. Plus, give me your feedbacks ki tumhe modification kaisi lagi, kaisi nahi. Aur you can ask me anything, any question about me, about my work, because I want to do a Q&A video with you guys. So that's all guys, now you can enjoy this video. Aur follow me on Instagram and Facebook, both the link in the description. जाओ मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज वहाँ पे कई सारे मैं वॉलपेपर्स डालता हूँ, कई सारे अपने अलग काम डालता हूँ, तुम वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे वो काम देख सकते हो. प्लस इफ़ यू ऑल वॉन्ट टू बाय दिस स्मार्ट बैंड और दिस वैकम टैबलेट, तो इनके भी जो लिंक है उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और देखो. प्लस इनका मैंने अनबॉक्सिंग किया था, इनकी रिव्यू करी थी, तो इन दोनों की रिव्यू, इन दोनों के अनबॉक्सिंग मेरे चैनल पे है, तुम वहाँ जाके भी देख सकते हो. सो उसी के साथ साथ गाइज, नाउ एंजॉय दिस वीडियो, और वीडियो के साथ साथ बताऊंगा कि मैंने क्या क्या इस गाड़ी में चेंज किया है, बिकॉज दिस मॉडिफिकेशन इज वन ऑफ माई बेस्ट मॉडिफिकेशन टिल नाउ. और वीडियो छोटी है तो प्लीज़ वॉच टिल एंड, अच्छा लगेगा कि लास्ट तक देखोगे. और मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये मॉडिफिकेशन कैसी लगी, गिव मी योर फीडबैक्स पॉइंट्स तो इस मॉडिफिकेशन को, कि कितनी अच्छी मॉडिफिकेशन है कितनी नहीं. सो दैट्स ऑल गाइज, नाउ एंजॉय दिस वीडियो. सो गाइज, मॉडिफिकेशन के पहले ही मैंने जो इसका बॉडी किट है वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दी, और जो बॉडी किट है वो मैंने लगाई है रॉकेट बनी की, एंड द बॉडी किट इज लुकिंग सो गुड. थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के साथ द बॉडी किट इज फिटेड ऑन द कार, और फेंडर्स जो है वो इस पर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. और जो मेरा सब्सक्राइबर है निहाल ने मुझे बोला था कि मुझे जो गाड़ी है ब्लैक और ग्रे में चाहिए, तो उसी के लिए मैंने जो इसकी बॉडी किट का वो कलर भी यहाँ पे चेंज कर दिया था, और जो कलर मैंने चेंज किया है वो ग्रे किया है बॉडी के साथ साथ. और गाइज, अगर तुम ये जो बॉडी किट है अगर तुम असली में लगवाना चाहो अपनी गाड़ी पे, तो इतना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, तुम इसको ऑर्डर कर सकते हो आराम से. ये जो बॉडी किट है तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगी, एंड अच्छी सी वर्कशॉप ढूंढ के तुम इसको वहाँ पे फिट करा सकते हो, बिकॉज काफ़ी चीज़ होगी, तुम्हारे जो टायर्स है वो बाहर आएंगे थोड़े, तुम्हारी जो बॉडी है वो थोड़ी बहुत ट्रिम होगी टायर्स के वहाँ से, क्योंकि जो बॉडी किट लगती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत बॉडी को ट्रिम करना पड़ता है, स्पेस बनाने के लिए, फेंडर्स लगाने के लिए थोड़ा बॉडी को ट्रिम करना पड़ता है, तो वो वहाँ पे होगा. ये अच्छी वर्कशॉप पे तुम ऐसा काम करवा सकते हो. एंड गाइज, आई प्रॉमिस अगर तुम ये मॉडिफिकेशन करवाओगे तो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी. मैंने तुम्हें पहले भी कह चुका है, तुम्हें तीन चीज़ चाहिए ऐसी मॉडिफिकेशन करवाने के लिए. पहला, गुड अमाउंट ऑफ मनी. दूसरा, एक अच्छी वर्कशॉप. और तीसरा, टाइम. ये तीनों चीज़ तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी गाड़ी काफ़ी अच्छी लगेगी. एक हेड टर्नर लगेगी. तुम जहाँ भी जाओगे तुम लोग तुम्हारी गाड़ी को देखेंगे. और बात करते हैं मॉडिफिकेशन के बारे में, तो जैसे कि तुम देख सकते हो बॉडी किट लग गई, कलर मैंने चेंज कर दिया, जितनी भी अनवांटेड इमेजेस थी, जो अनवांटेड कलर था जहाँ पे मुझे चाहिए नहीं, वो मैंने हटा दिया. प्लस अब तुम देख सकते हो मैं इसकी लाइट से भी कलर हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बॉडी का भी कलर चेंज कर दिया था. बॉडी का थोड़ा ब्लू कलर था तो वो भी मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, और जैसे कि इसकी लाइट से हटा दिया, इसके विंडोज़ से हटा दिया, पीछे जो बैकलाइट थी उससे हटा दिया, और यहाँ पे जो मैंने विंडोज़ है, विंडशील्ड है, और जो विंडोज़ है उसको भी मैंने टिंटेड कर दिया ब्लैक कलर से, जैसे कि निहाल ने कहा था कि उसको ब्लैक कलर और ग्रे कलर में चाहिए, तो यहाँ पे भी मैंने जो विंडोज़ है उसको भी ब्लैक कलर से टिंटेड कर दिया. अब जो इसमें चीज़ें कर रहा हूँ वो थोड़ी बहुत डिटेलिंग वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत शेडोज़ डाल रहा हूँ, ब्राइटनेस कर रहा हूँ, बिकॉज फोटोशॉप का एक मेन मोटिव होता है कि अगर तुम फोटोशॉप पर काम करो तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए वो काम, कि उसमें कोई ऐसा लगे ना कि हाँ यार कुछ है यहाँ पे एडिट किया है, यहाँ पे छोड़ दिया, ना पूरा एक परफेक्ट काम होना चाहिए फोटोशॉप पे, कि अगर तुम वो काम कर रहे हो तो उसका जो रिजल्ट है पूरा ऐसा है कि तुमने उसमें कुछ काम किया नहीं. सो यहाँ पे मैंने वही किया है, हर एक आउटलाइन में बना रहा हूँ, हर एक शेडोज़ में डाल रहा हूँ, कि अच्छी लगे गाड़ी जब इसका फाइनल रिजल्ट आए. और सच बताऊँ तो जिसका रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, वो काफ़ी अच्छा है. मेरे को पता नहीं था कि इतना अच्छी गाड़ी बन जाएगी, जो इसका बैकग्राउंड भी है वो भी काफ़ी अच्छा है. तो नाउ द वर्क इज़ हाफ डन. एंड गाइज, अब जो मैं इसमें कर रहा हूँ वो इसके टायर्स में चेंज कर रहा हूँ, एलॉय व्हील्स में चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज जो ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स थे वो कुछ इसमें अच्छा लग नहीं रहा था. सो मैंने जो एलॉय व्हील्स है वो यहाँ पे चेंज कर दिए, उसके जो रिम्स हैं वो वाइट रखे मैंने, और जो एलॉय व्हील्स है, जो स्पोक्स है वो ब्लैक कर दिए. इससे क्या है, गाड़ी का पूरा एक लुक आ रहा है, टायर्स भी अच्छे लग रहे हैं. सो मैंने इसका जो बैकग्राउंड अभी के लिए ग्रे कर दिया, और साथ ही साथ जो इसका एग्जॉस्ट है वो भी मैंने साइड में लगा दिया, काफ़ी गाड़ियों के पीछे होता है, यहाँ पे मैंने थोड़ा अलग हट के इसके साइड में लगाया. और ये भी कोई इम्पॉसिबल नहीं है कि तुम किसी वर्कशॉप से जाके नहीं करवा सकते,
ये एग्जॉस्ट भी तुम साइड में आराम से लगवा सकते हो, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा नहीं. सो नाउ द वर्क इज डन हियर, गिविंग सम लिटिल शेडोज ऑन द टायर्स बिकॉज एलोविल्स, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था जो टायर्स मैंने एलोविल्स चेंज किए हैं तो वहाँ पे थोड़ी शेडोज आनी चाहिए है, वहाँ पे थोड़ी डिटेलिंग वर्क, वहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट थोड़ा आना चाहिए. एंड गाइस टिल नाउ इफ यू लाइक दिस मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट हिट दैट लाइक बटन, अभी जाओ लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी मॉडिफिकेशन. एंड गाइस लास्ट में आता है इसका स्पॉइलर, एंड स्पॉइलर लगाने से पहले मैंने स्पॉइलर की जो एक स्टोरी थी वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर डाली थी और पूछा था कि कौन सा स्पॉइलर अच्छा लग रहा है, तो सब ने ये वाला स्पॉइलर सजेस्ट किया था तो ये वाला स्पॉइलर मैंने यहाँ पे लगा दिया. एंड गाइस सीरियसली बताऊँ तो स्पॉइलर है काफ़ी अच्छा लग रहा है इस पर. सो गाइस द कार इज नाउ डन, अब जो इसमें बची है वो थोड़ी बहुत फाइनल टचअप्स बचे हैं, जो इसमें जितना भी शेडोज वर्क है, जितना भी बैकग्राउंड है, स्टिकर्स मैंने लगाए नहीं क्योंकि मुझे गाड़ी को सिंपल रखना था. सो गाइज नाउ द कार इज डन एंड द फाइनल इमेज ऑफ दिस कार इज दिस. सो गाइज दिस इज द फाइनल इमेज एंड एज यू कैन सी द कार इज लुकिंग सो ऑसम, सो ब्यूटिफुल, और जो इसका बैकग्राउंड है बिल्कुल परफेक्टली इस मॉडिफिकेशन में मैच कर रहा है. एक मैंने कार शो का इसमें मैंने लगा दिया है एंड थोड़े बहुत स्टिकर्स मैंने लगाए हैं, प्लस इंडिया का फ्लैग जो इसके बम्पर पे लगाया है, ये कार शो में गई है तो इंडिया का तो रिप्रेजेंट करेगा ही. और उसी के साथ साथ गाइज मैंने इसका जो लोगो है वो मैंने उसका कलर चेंज कर दिया और थोड़ी बहुत ब्राइटनेस मैंने बढ़ाई है, थोड़े बहुत मैंने इसमें डिटेलिंग जो हाईलाइट है वो मैंने बढ़ाया है कि हाँ एक थोड़ी रियल लगे, थोड़ी बहुत मैंने शेडोज डाली है. सो द कार इज लुकिंग सो ऑसम एंड इफ यू ऑल लाइक दिस मॉडिफिकेशन तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, अभी जाओ वो लाइक का बटन दबाओ, प्लस गिव मी योर फीडबैक्स अबाउट द मॉडिफिकेशन कि कैसी लगी, अच्छी लगी बुरी लगी. और सब्सक्राइब करना प्लीज गाइज मत भूलना, सपोर्ट मी एंड सपोर्ट माई वर्क. अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि तुम सब मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हो, तो उसी के मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और ऐसी इससे भी अच्छी सी मॉडिफिकेशन आएगी. सो गाइज दैट्स ऑल, नई वीडियो जल्दी आने वाली है, आई एम वर्किंग ऑन होंडा नावी, वो भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि मॉडिफाई द होंडा नावी, तो वो वीडियो भी जल्दी आने वाली है. सो गाइज टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड पीस आउट.